सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे गाइस मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में कहा था कि अपडेट के बाद M500 और डेजर्ट ईगल का डैमेज कम कर दिया जाएगा, तो अपडेट आ चुका है। इन दोनों गन के डैमेज के ऊपर कितना फर्क पड़ा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसी के साथ मैं आपको अपडेट के बाद वन टैप हेडशॉट मारने के लिए बेस्ट गन के बारे में भी बताने वाला हूं, जिसका यूज हम कर सकते हैं बिल्कुल क्लोज रेंज में वन टैप हेडशॉट मारने के लिए। और अपडेट के बाद इस गन को काफी ज्यादा पावरफुल कर दिया और इसके साथ वन टैप हेडशॉट इजीली लग रहे हैं और इसका डैमेज भी अच्छा खासा हो गया। तो ट्रिक के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको डेजर्ट ईगल और M500 के डैमेज के बारे में बता देता हूं। तो M500 का हम यूज करते हैं CS में फर्स्ट राउंड में, और फर्स्ट राउंड में किसी के भी पास हेलमेट नहीं होता है, तो अगर आपका एनिमी मिड रेंज में होगा तो आप इसके साथ उसे इजीली डाउन कर सकते हो। मिड और क्लोज रेंज में आप अपने एनिमीज को एक ही टैप में डाउन कर सकते हो सिर्फ फर्स्ट राउंड में, क्योंकि उसके बाद आ जाएगा हेलमेट। और लॉन्ग रेंज की बात करें तो लॉन्ग रेंज में डैमेज कम पड़ेगा, आप देख सकते हो, चाहे एनमी ने हेलमेट पहना है या नहीं उसको डैमेज कम ही पड़ेगा। पर गाइज मिड रेंज में भी कभी कभी कम डैमेज पड़ सकता है, आप इस क्लिप में देख सकते हो 169 का डैमेज पड़ा है और फर्स्ट राउंड में किसी के भी पास हेलमेट तो नहीं होता है। और गाइज डेजर्ट ईगल की बात करें तो जिस भी एनमी ने लेवल 2 का हेलमेट पहन रखा होगा, आप डेजर्ट ईगल के एक फटके के साथ उसके हेलमेट को तोड़ सकते हो। और ज्यादातर प्लेयर्स लेवल 2 का हेलमेट ही पहनते हैं क्योंकि ज्यादा कॉइन मिलते नहीं है और लेवल 3 का हेलमेट सबके पास नहीं होता है। तो अभी आप यहाँ पे देख लो, लेवल 4 का हेलमेट है और डैमेज पड़ा 193 का बिल्कुल क्लोज रेंज में। तो अगर आपके सामने कोई 4 लेवल का हेलमेट पहन के आएगा तो वो नहीं टूटेगा, और लेवल 3 के एलिमेंट पे डैमेज पड़ेगा 207 का। और गाइज इस करेक्टर की मदद से हमारी HP हो जाती है 235। तो लेवल 3 का हेलमेट डेजर्ट ईगल से अब से नहीं टूटेगा, और लेवल 2 के हेलमेट पे डैमेज पड़ेगा 262 का, और जब लेवल 1 का हेलमेट होगा तब डैमेज पड़ेगा 331 का, और जब एक भी हेलमेट मतलब कि कोई भी हेलमेट नहीं होगा तब डैमेज पड़ेगा 495 का। डेजर्ट ईगल के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ज्यादा बातें डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं अपनी वन टैप वाली गन के बारे में। तो अपडेट के पहले कुछ ऐसा था कि जो गन्स स्पेशली क्लोज रेंज के लिए बनाई गई हैं उनका कोई भी यूज नहीं कर रहा था, तो इस बार ग्रीना ने थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के M10 को थोड़ा सा पावरफुल बना दिया है। तो अब हमें क्लोज रेंज में वन टैप मारने के लिए M10 का ही यूज करना पड़ेगा। तो M10-14 के साथ वन टैप हेडशॉट मारने के लिए इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। और गाइज मेरे पास M10-14 की काफी सारी स्किन्स हैं, और मेरे पास ये ईवो वाली गन स्किन भी है, और ये लेवल 5 की है, लेवल 5 की ईवो है, और इसमें डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है। पर मैं आपके लिए कोई भी स्किन यूज नहीं करूंगा, मैं विदाउट स्किन आपको दिखाने वाला हूं कि वन टैप हेडशॉट हमने इसके साथ कैसे मारना है। और गाइज M10-14 में चिप वाला सिस्टम आ गया, हम इसमें चिप लगा के इसे अपडेट भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, बिना चिप के भी इसके साथ वन टैप हेडशॉट लग जाते हैं। पर चिप लगाने के बाद जो इसके साथ वन टैप हेडशॉट लगते हैं भाई 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 क्या ही बताऊं मैं आपको। तो अभी हम इसे करते हैं अपग्रेड, तो यहाँ से मैं 3 चिप खरीद लेता हूँ और उसके बाद हम इसे 3 लेवल अप कर देते हैं। तो ये जो अभी आपको आइकन दिख रहा है, ये वाला आइकन, इसके ऊपर अगर आप 3 बार क्लिक करोगे तो आपके 3 लेवल अप हो जाएंगे 3 चिप के साथ। और अभी आप देख सकते हो कि जो हमारी M10-14 है वो लेवल 3 की हो चुकी है, और गाइस यकीन मानो लेवल 3 की होने के बाद ये काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है। तो इसके साथ वन टैप हेडशॉट मारने के लिए मैं आपको दो ट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ जिनका आप यूज कर सकते हो और इजीली आपके वन टैप हेडशॉट्स भी लगेंगे। तो गाइस ट्रिक नंबर 1 का नाम होने वाला है सुपर जंप वन टैप हेडशॉट ट्रिक। इस ट्रिक में हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने एक सुपर जंप लेना है, गन को हाथ में लेके हमने एक सुपर जंप लेना है और अपने एम को सही जगह पे सेट करना है, जहाँ पे भी आपको सही लगे। उसके बाद हमने एनिमी के हेड की साइड कर देना है रोटेशन ड्रैग, जैसे कि अभी मेरा एम यहाँ पे था तो मैंने इसे एनिमी के हेड तक पहुँचाने के लिए इस तरीके से ड्रैग कर दिया और एनिमी को वन टैप हेडशॉट लग गया। तो M10-14 के साथ वन टैप हेडशॉट लगाने के लिए ये काफी ज्यादा फेमस ट्रिक है, और इसका यूज ओल्ड मतलब कि काफी ज्यादा ओल्ड टाइम से किया जाता है। बस हमने अपने एम को एनिमी से दूर रखना है, उसके बाद हेड की साइड ड्रैग करना है और एनिमी को वन टैप लग जाएगा। और गाइस सेकंड ट्रिक हमारी होने वाली है रेड एम के साथ, कि हम रेड एम के साथ वन टैप कैसे मार सकते हैं। इस ट्रिक में हमने वन टैप हेडशॉट मारने के लिए सबसे पहले अपने एम को रेड करना है, रेड एम करने के बाद हमने करना है डाउन ड्रैग। डाउन ड्रैग करने के बाद एकदम से फायर बटन को ऊपर को ड्रैग कर देना है और एनिमी को इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। पर याद रखना कि आपको ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा। डाउन अप ड्रैग के ऊपर मैंने ये वाली एक फुल वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने आपको कम्प्लीटली अच्छे से बता रखा है कि कैसे डाउन अप ड्रैग किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और इसके बाद और भी खतरनाक वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।